अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ थोड़ा अपना शाहिद शबीर बाबा जी और आज पंजाब हैरीटेज दास्तान नू इंट्रोड्यूस करवाने वास्ते आया वहाँ कि एक्चुअली पंजाब हैरीटेज दास्तान है की है। पंजाब हैरीटेज दास्तान पंजाब दी जड़ी एक पंजाबी राज सी जड़ा खालसा राज सी उहदे फुटस्टेप्स नू कवर करन वास्ते अज मैं पूरे शाही अंदाज दे विच तुहाडे सामने आया वहाँ। अगर पंजाब दी हिस्ट्री दे विच खालसा राज या सिख राज का जिक्र ना किया जाए तो पंजाब की हिस्ट्री मुकम्मल नहीं होंगी और नाल ही जिक्र आ जाता है शेरे पंजाब का, क्योंकि पाकिस्तान का अज जो वजूद है यदा 60% डायमेंशनस जी ड्यूरिन लाइन है और पाकिस्तान की जी बाउंड्रीज़ ने वह महाराजा रणजीत सिंह की जी स्टेट सी जिहड़ा कि एक पंजाब स्टेट जिन्हों कहा जाता सी और उदे ते आज भी मुश्तमिल है और उही लाइन्स जड़ियां ने उन्हां नूं फॉलो करदिया होया ब्रिटिश ने पाकिस्तान दी जिहड़ा वजूद कीता ओ पंजाब दी तकसीम कीती। पंजाब हैरीटेज दास्तान दा सफ़र वैसे तो शुरू हुंदा जमरोद दे बार्डर तो पिशावर शहर तो, पिशावर शहर तो तुहानूं मैं लैके टुरांगा गुरद्वारा भाई जोगा सिंह, गुरद्वारा भाई बीबा सिंह और उस तो बाद आ जावांगे इस्लामाबाद विच सैदपुर विलेज दे विच, सैदपुर विलेज तो फिर आवांगे असी रावलपिंडी और वड्डे जिहड़े सरदारां दे मुहल्ले सन गलियां सन उन्हां दा जिक्र करदे होए असी पहुँच जावांगे सिद्धा टिल्ला जोगियां ते। टिल्ला जोगियां जिथे कि महापुरश बहुत वड्डे वड्डियां हस्तियां जिहड़ियां ने उह पहुँचियां उस जगह दे उत्ते अलैगजेंडर तो लैके ते सन 47 तक हर बंदा उस टिले तो होके आया, नामवर हस्तियाँ मैं कहाँगा महादेव तो लैके बाबा गोरखनाथ, बालनाथ, सिद्धनाथ, मछिंदनाथ और फिर बाबा गुरु नानक साहेब अपनी चौथी उदासी तो बाद जड़े ने वो पहुँचे। एक गल तुहानूं होर दसदा जावां कि टिला जोगियां की बहुत वड्डी एक इंपॉर्टेंस है तारीख दे विच, जिन्ने जोग लैनी हुंदी सी या जिन्ने जोगी बनना हुंदा सी वो पहले जांदा सी कित्थे, वो जांदा सी टिला जोगियां। टिला जोगियां तो असी पहुँचते हाँ कटास राज दे विच, कटास राज जिथे कि पांच पांडवास जिहड़े ने भरा उन्होंने सतगुरां दे वड्डे टैंपल खड़े किए जिहड़े कि दुनिया के सब तो पुराने तरीन मंदिर जिहड़े ने वो तस्लीम किए गए ने, जिन्हां दा वजूद अज भी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2010 दे विच उन्हां नूं मुकम्मल रेनोवेट किया और PM ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा तो एक वड्डी ग्रांट का ऐलान जिहड़ा वो कटास राज दे मंदरां वास्ते उन्होंने किया। मैं कहाँगा कि हिस्ट्री जिहड़ी है वो अपने पन्ने जिहड़े ने जगह जगह तो खोलदी और जगह जगह तो फरोलदी है, अगर उहदे पन्ने जिहड़े ने उन्होंने फाड़न की कोशिश की जाए तो वह कभी इस तरह नहीं हो सकता कि हिस्ट्री के पन्ने मिट जाण और वह खत्म हो जाण। हिस्ट्री रिपीट हिमसैल्फ, यह जुमला हर वेले सानू याद रखना चाहिए। कटास राज दे उत्ते ही बाबा गुरु नानक साहब भी आते हैं, कटास राज दे उत्ते ही महाराजा रणजीत सिंह दे काबिल जनरल जनरल हरी सिंह नलवा जिहड़े ने उन्होंने चार चौकियां कायम कीतियां, फोर डायरेक्शन उत्ते चार उन्होंने चौकियां और एक उन्होंने हवेली जिहड़ी है मौजूद है और जिहड़ी कि अजकल उन्हें कन्वर्ट किया गया है जनरल हरी सिंह नलवा के नाम के उत्ते, पहला म्यूजियम जिहड़ा उन्होंने कायम करन की कोशिश की जा रही है। फिर अगर तुसी उत्थों थोड़ा जिन्ना निकलो और पंजाब दी सरजमीन वाले पासे थले जांदे हो तो वह जगह तुहानू मिलेगी जिदा तुसी एक सोच रखते हो, यानी कि गुजरांवाला जिन्हों के शाही राज दा आगाज या सिखा शाही दा आगाज किया जा सकता। तुसी उस आगाज नूं लभण वास्ते मैं पहुंचिया मछली मंडी और गुरु नानकपुरा और उस तो बाद केसरा बाजार गुजरांवाला दे अंदर। गुजरांवाला दे अंदर तो देखो अगर तो महाराजा रणजीत सिंह उन्होंने दादे जड़े ने चरण सिंह और उन्होंने वालिद महान सिंह सुकर चक्किया की मिसल की जी बुनियाद रखते हैं और उस तो बाद पावर के आते हैं डाउनफॉल ऑफ द मुगल तो बाद और उन्होंने ही काबिल जरनैल उन्होंने ही मुहल्लेदार केसरा बाजार के अंदर जनरल हरी सिंह नलवा जिन्होंने अनवेडिंग जड़ियाँ ने नॉर्थ वैसट पंजाब जिस धरती से मैं इस वे खलोता आया वहाँ वो अनगिनत ने और मैं कहाँगा काबिले तारीफ ने, जिन्हों के ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इंग्लैंड के वड़े वड़े राइटर्स ने उन्होंने एडमायर किया और उन्होंने खिदमात नू तस्लीम किया गया है। बाकी जड़े मिसलां सन उन्होंने शिकस्त दे के उन्होंने तो फिर उस तो बाद लाहौर दे तख्त दे उत्ते काबज़ हुंदा और लाहौर तख्त दे अंदर फिर 1848 तक वो राज जड़ा वो कायम दायम रहिंदा है।
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ, ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਔਰ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਗਲਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ 2 ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁਰਜ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਬਾਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੁਰਜ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾਸਤਾਨ। ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ।